आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल एवं नगर आयुक्त अनुनय झाकेकर कमलो द्वारा वृंदावन विद्यापीठ चौराहा एवं वैष्णो देवी मंदिर के समीप स्थापित बोतल क्रशिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। महापौर जी द्वारा बताया गया कि इस बोतल क्रशिंग मशीन से प्लास्टिक की 4000 बोतल क्रशिंग की जा सकती है। इस मशीन को बच्चे, बुजुर्ग एवं श्रद्धालुगण आराम से प्रयोग कर सकते हैं। यह एक रिसाइकल मशीन है। इससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। जिस व्यक्ति द्वारा इस मशीन में बोतल डाली जाएगी, उसको एक टोकन मिलेगा, जिसको कोका कोला कंपनी द्वारा प्रोत्साहन हेतु टी शर्ट, मग एवं गिफ्ट प्रदान किए जाएंगे। इस मशीन को नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा कोका कोला कंपनी के सौजन्य स्थापित कराई गई है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह, सहायक नगर आयुक्त लवकुश गुप्ता, महाप्रबंधक जल विजय नारायण मौर्य, सुमित गौतम पार्षद, धनश्याम चौधरी पार्षद, शंशाक शर्मा पार्षद, मुकेश सारस्वत पार्षद, जोनल स्वास्थ्य अधिकारी रामानंद त्यागी, अधिशासी अभियंता सिविल रिजवान अहमद, कार्यालय प्रभारी श्री गोपाल वशिष्ठ, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सुभाष चंद, निर्भय बंसल प्रतिनिधि कोका कोला कंपनी, राजस्व निरीक्षक मुकेश सिंह, अमित गोयल सेल्स मैनेजर कोका कोला कंपनी, विष्णु शर्मा एरिया मैनेजर कोका कोला कंपनी, प्रियंका नेगी मार्केटिंग मैनेजर, प्रवर्तन दल प्रभारी पदम सिंह, पंकज गोपाल प्रसाद शर्मा, विपिन बल्लभ, मनोज चौधरी, विजय किशोर वर्मा आदि कर्मचारी अधिकारीगण मौजूद रहे। पर्यावरण हो और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, ये प्लास्टिक जिससे के द्वारा जो यहाँ खाली बोतल सड़क पर या इधर अलग पटक आप लगे उनको इसमें डालने के बाद ये प्रेस हो जाएगी और रिसाइकल के लिए ये काम आएगी। और ये दूसरा फायदा ये हुआ कि इससे हमारी टी शर्ट जो बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाई हुई है वो बनेगी और जो कंज्यूमर इसको डालेंगे यूज करने के बाद उनको एक पॉइंट मिलेगा, ग्रीन पॉइंट, और उन पॉइंट्स को इकट्ठा करने के बाद उनको टी शर्ट वगैरह ऐसे जिन्होंने प्रोविजन कर रखे हैं वो उनको उपहार स्वरूप मिलेंगे। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए या कूड़ा कचड़ा या पहले स्वच्छ मथुरा मिशन जो हमारे आयुक्त साहब ने बहुत गंभीरता से लिया हुआ है और हमने भी संकल्प लिया है, हमने निर्वाचन के बाद जब जनता ने मेरी जिम्मेदारी दी है कि हम मथुरा वृंदावन नगर निगम को स्वच्छ और साफ और नंबर एक का नगर निगम बनाकर अपना संकल्प पूरा करेंगे, उसी कड़ी के तहत ये प्रयोग कंपनी के द्वारा किया गया। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इन सभी को और आप के माध्यम से भी मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूँ, खाली बोतल सड़क पर न फेंके या ऐसी कई वेंडिंग मशीन लगेगी उनमें डालो और पर्यावरण को संतुलित करने में या कूड़ा कचरा न फैले, शहर को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करेगा।